सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज आज मैं ये वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाला हूँ कि मतलब फ्रेंड्स, मैंने एक डी कैथलॉन से एक मतलब कुछ पार्सल ऑर्डर किया था जो कि फाइनली मेरे घर पे आ चुका है, तो वही उसका मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। और क्या चीज़ मैंने मंगाया है वो भी फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, और उस चीज़ की क्वालिटी कैसी है, उसको मतलब उसके फीचर्स क्या है वो मैं सब इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते रहिए। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डी कैथलॉन से मैंने परचेस किया है पार्सल, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डी कैथलॉन स्पोर्ट्स, मतलब अगर स्पोर्ट्स में लाइन में देखा जाए तो डी कैथलॉन टॉप नंबर वन ब्रांड का है फ्रेंड्स। मतलब स्पोर्ट्स की कोई भी चीज़ हो, या A to Z, मतलब क्रिकेट, कबड्डी, खो खो या फिर फुटबॉल, एनीवन कोई भी चीज़, अगर आप स्पोर्ट्स का डी कैथलॉन से परचेस करते हैं तो आपको बेस्ट क्वालिटी और नंबर वन फीचर्स और उसकी सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी जो मेरा पार्सल आया डी कैथलॉन का, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ पार्सल का कि पार्सल में क्या है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए इतना बड़ा पार्सल है जो कि मैंने मंगाया डी कैथलॉन से। देखिए आप डी कैथलॉन की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। देखिए इस पे मतलब डी कैथलॉन के बारे में लिखा है, इसके गूगल प्ले से भी इंस्टॉल होएगा या फिर ऐप स्टोर के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका आईफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें, अगर आपका आईफोन है तो ऐप स्टोर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं डी कैथलॉन। अब अगर आपका एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा, और मैं इसकी आपके देखो मैं आपको इसका ब्रांडिंग दिखा रहा हूँ। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग किया गया फ्रेंड, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। और फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, ये मतलब ये सामने देख सकते हैं, इस पर हमारा मतलब नाम, एड्रेस, बिल, इस पर सब दिया गया है। सो फ्रेंड चलिए इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये इस पार्सल के अंदर है क्या। सो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली देखिए हमने अपना बॉक्स ओपन कर लिया। चलिए अब इसमें से निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट हमने ये डी कैथलॉन से मतलब हेलमेट परचेस किया है, साइकिलिंग हेलमेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए ये रॉक राइडर का हेलमेट है फ्रेंड, बहुत ही काफ़ी ज़बरदस्त और एकदम मतलब कूल बनाया गया फ्रेंड, जिसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी है। और ये रॉक राइडर का फ्रेंड, मतलब डी कैथलॉन रॉक राइडर का ब्रांड ज़्यादा बनाता है जो कि उसकी खुद की ब्रांडिंग रहती है। तो देखिए आप ये डी कैथलॉन का हेलमेट देख सकते हैं। सो फ्रेंड, ये जो हेलमेट है मैंने मतलब साइकिलिंग के लिए मंगाया कि मैं साइकिलिंग टूर करूँगा, जिससे साइकिलिंग टूर करने के लिए मंगाया है ताकि हम मतलब सेफ़ रह सके, क्योंकि फ्रेंड साइकिलिंग अगर आप करते हैं तो आपको हेलमेट पहनना काफ़ी, मतलब हेलमेट आपको पहनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए एक बाई चांस आपका एक्सीडेंट होता है या फिर कहीं आप कुछ भी होता है, तो ये अगर रहता है और इसकी ब्रांडिंग और क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप ये पहन के अगर आप कहीं गिरते भी तो आपके सर को एक कुछ भी चोट नहीं लगेगा, इसकी इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, देखिए आप मतलब मैं आपको हेलमेट दिखा रहा हूँ, देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है और ब्लैक कलर का है फ्रेंड्स, रॉक राइडिंग की ब्रांडिंग है ये, देखिए। सो फ्रेंड चलिए अभी मैं दूसरा पार्सल भी हमने एक मंगाया तो वो दिखाते हैं हमें क्या है। आओ, सो फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा है जो कि मतलब मैंने टूर के लिए फ्रेंड मंगाया। ये काफ़ी, ये बोलूँ तो फ्रेंड्स ये हमारा टेंट है वाटर प्रूफ का, और ये वो मत फ्रेंड्स अगर आप कैंपिंग पे जा रहे हैं या टूर पे जा रहे हैं तो ये लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा कैंप मतलब टेंट है, जो 2% टेंट है फ्रेंड्स, इसमें दो लोग आसानी से स्टे कर सकते हैं। सो फ्रेंड देख सकते हैं टेंट है अभी फ्रेंड्स। चलिए इस टेंट को हम अभी ओपन करते हैं और ये टेंट को ओपन करके दिखाते हैं कि फाइनली ये टेंट दिखता कैसे है, तो आइए चलते हैं। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारा टेंट है। तो अभी ये टेंट को कैसे सेटअप कर रहे हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और टेंट पूरा बना के दिखाता हूँ कि टेंट कैसे बनता है। तो गाइस सबसे पहले चलिए हम देखिए ये निकालते हैं ये, एंड आप देख सकते हैं ये जो है हमारा, ये हमारा टेंट कवर है। देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा टेंट कवर है, और इसमें फ्रेंड्स अभी इसमें हमें कुछ माउंट दिए गए, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए हमें कुछ धागे वागे दिए गए मतलब टेंट को बाहर से बांधने के लिए, और ये कुछ ये तो देख सकते हैं आप, जैसे ये हमें
जो हमें देखिए माउंट दिए गए बहुत सारे, मतलब इसे हम जब टेंट बनाते हैं तो उसको ऊपर से कवर करके माउंट कर सके उसके लिए दिए गए हैं। तो देखिए देख सकते हैं, और हमें तीन चार धागे दिए गए ताकि हम चारों साइड से बन सके। और ये हमारा कवर था, इसे सर्च करते हैं। तो अभी सबसे पहले ये हमारा मतलब टेंट कवर है फ्रेंड्स, तो हमें कवर बाद में डालते हैं, पहले हम नीचे का बेस रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये अभी देखिए, हम इसे सबसे पहले हम नीचे का बेस ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे का हो गया मेन टेंट। तो अभी इसमें सबसे पहले ये जो हमारा स्टिक है, ये हमें दो माउंट स्टिक दिए गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं, ये हमें दो माउंट स्टिक दिए गए, इसे हमें पहले लगाने का है। तो आइए चलते हैं, हम लगाते हैं इसे। सबसे पहले इसे हमें टेप कर लेना है। तो स्ट्रेट कर लेना है। और गाइस इसे देखिए, हमें यहाँ पे मतलब इसके अंदर माउंट करने का है, और इसमें आंख लगाने के बाद हमें दूसरे साइड पे भी उसको उसी तरह माउंट करना है। ये देखिए, ये हमारा माउंट हो गया। अभी इसी तरह हमें दूसरा भी माउंट करना है, तो चलिए इसे भी करते हैं माउंट। तो यहाँ भी देखिए, हमें इसी तरह इधर इसमें भी माउंट करना है, और दूसरे साइड भी हमें इसमें इसी तरह माउंट करना है। ये फ्रेंड्स हमारा सेट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हमें इसे, हमने दोनों स्टिक को ऐसे लेवल पे ला देना है, और इसका जो मेन बीच का फ्रेंड्स पोर्शन है उसे हमें ऊपर उठा के ऊपर वाले स्टिक पे माउंट करना है। सो फ्रेंड देख सकते हैं, हमारा माउंट हो चुका है फाइनली। और अभी ये जितने भी क्लिप्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसे हमें उठा के इसमें माउंट करना है। देखिए तो फ्रेंड्स हमारा ये हो गया। तो चलिए अभी तो बाकी भी हम सभी इसमें माउंट कर देते हैं। ये हमारा माउंट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमें इसमें माउंट कर देना है। सो फ्रेंड्स फाइनली ये देखिए, ये हमारा टेंट रेडी हो चुका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा पूरा टेंट रेडी हो चुका है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये हमारा जिपर है, इसे हमें ऊपर क्लोज करेंगे तो हमें यहाँ अंदर जाने का रास्ता दिखता है। थोड़ा अंदर दिखाओ गाइस, आप अंदर का देख सकते हैं, इतना बड़ा ये काफ़ी जब मतलब इतना बड़ा है कि फ्रेंड दो लोग आराम से इस पे इसके अंदर सो सकते हैं कहीं भी डाल के। तो गाइस चलिए अभी इस हम इस जिपर को बंद करते हैं, और आपको इसके ऊपर का कवर भी दिखाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टेंट कवर, तो चलिए हम आपको टेंट कवर लगा के दिखाते हैं। फाइनली ये देखिए, ये जो हमारा ये कवर का जिपर है, इसे भी हमें अपने टेंट के जिपर के पास ही लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये देखिए, अभी जो इसका कवर है यहाँ पे हमें देखिए माउंट करने के लिए दिया गया, इसमें इसे हमें इसमें इंस्टॉल कर देना है। फिर इसी तरह से चारों तरफ के जो कवर है हमें इसमें उसे इंस्टॉल कर देना है। और तो आइए अभी ये इस साइड का भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। और ये रहा हमारा चौथा पोर्शन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पूरा पूरा दिखाइए घूम के कि हमारा कैसे दिख रहा है। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी देखते हैं, हमारा कवर भी पूरा लग चुका है, और ये रहा हमारे कवर का जीपर। अभी देखिए मतलब हमें जीपर ओपन करना है। ये हमारा जीपर ओपन हो चुका है।
जैसे हमारा जीपर ओपन हो चुका है, इसके अंदर हमें अपने टेंट का भी जीपर ओपन करना है। देखिए मतलब फ्रेंड इसमें दो जीपर दिए गए, आपके कवर का रहेगा या आपके टेंट का रहेगा। तो आराम से और फ्रेंड्स मैं बता दूं तो फ्रेंड चलिए मैं अभी अंदर चलता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे के टेंट के अंदर आ चुका हूँ। और मैं देखिए आपको मतलब लेट के भी दिखाता हूँ, आराम से मतलब सो सकते हैं, दो लोग के लिए काफ़ी जगह है फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते, देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी बेटर जगह दिए गए फ्रेंड्स। आप आराम से इसे कहीं भी ले जाके नॉर्मली माउंट करके इसमें आराम से अपनी, और फ्रेंड्स इसमें आप चाहे तो कोई तकिया बिस्तर या फिर टेंट हो या फिर मैट हो, कोई भी मैट वेट लेके जाके फ्रेंड्स इसमें आप रह सकते हैं आराम से बिछा के। तो फ्रेंड्स दे सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और कूलिंग। और फ्रेंड्स मैं खास बात ये बता दूँ, ये हमारा वाटरप्रूफ टेंट है, इसके ऊपर का कवर वाटरप्रूफ है। और मतलब इसमें आप अंदर लेटते हैं तो आपको बिल्कुल भी अंदर पानी भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं बता दूँ कि जो कि मैंने आपको बताया कि डी कैथलॉन जो कि स्पोर्ट्स के मामले में टॉप पे रहता है, तो डी कैथलॉन से मैंने ये परचेस किया है और काफ़ी ज़बरदस्त और कूल है फ्रेंड्स। आप इसमें चाहे तो दो लोग आराम से सो सकते हैं या फिर अगर एक लोग भी सोएंगे तो आराम से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, सामान भी आराम से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अंदर का व्यू कितना मतलब बहुत ही बड़ा है अंदर का, आप जैसे देख सकते हैं चारों तरफ। तो आइए अभी मैं आपको बाहर का पूरा व्यूज़ दिखाता हूँ कि बाहर स्टैंड कैसा दिखता है। तो जैसा कि देखिए, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये टेंट मतलब चारों तरफ से देखिए एकदम प्रोटेक्ट किया गया फ्रेंड, चारों तरफ से प्रोटेक्टिव कैसे। और फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए, ये दिखाइए, देखिए यहाँ से फ्रेंड थोड़ा सा गैप दिया गया है, ये हमारे मतलब सफोकेशन ना हो अंदर, मतलब ऑक्सीजन हम अंदर बाहर ले सके इसके लिए थोड़ा सा गैप दिया गया जिससे हमें सफोकेशन अंदर ना हो, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बनाया गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये टेंट मतलब इतना प्रोटेक्टिव और हल्का है कि आप इसे देखिए कहीं भी उठा के माउंट आराम से कर सकते हैं। देखिए इतना हल्का है कि आप उठा के इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए अभी देखिए मतलब आप इसे कहीं भी माउंट कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त बनाया गया है। सो फ्रेंड चलिए अभी मैंने आपको पूरा टेंट का मतलब सेटअप लगा के दिखाया। तो फ्रेंड्स आपको ये जो टेंट है, आपको टेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस मतलब ये टेंट के बारे में आपकी क्या राय है और टेंट कैसा लगा, टेंट की व्यूज़ कैसे लगे और टेंट का फीचर्स कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले इसी तरह की सभी न्यू ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स आने वाले समय में मैं टूर पर जाने वाला हूँ तो उसमें ये टेंट यूज़ करूँगा, तो आप भी ज़रूर देखिएगा, आपको भी काफ़ी सारे नेचर्स के व्यू और नए नए प्लेस के बारे में मतलब जानकारी मिलेगी, नए नए जगह के बारे में आपको ब्लॉग्स दिखाऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी इस वीडियो का यही एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।